आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ओंकारेश्वर खंडवा जिला संवाददाता चंद्रशेखर चौहान की देखें खास खबर। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में दिनांक 4 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन एवं एसडीएम पुनासा ने व्यवस्थाओं के संबंध में नगर परिषद कार्यालय में दिनांक 1 मार्च को आवश्यक बैठक आयोजित की है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेदे ने आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को व्यापक इंतजाम किए जाने के दिशा निर्देश दिए, जिसमें पेयजल व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और आवश्यक इंतजाम किए जाने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष श्री अंतर सिंह बारे, सीएमओ श्री राजा यादव, थाना मांधाता प्रभारी श्री जगदीश जी पाटीदार, तहसीलदार श्रीमान उदय मंडलोई जी, मंदिर संस्थान के व्यवस्थापक व अन्य कर्मचारी गण, पत्रकार गण, अधिकारियों पार्षद गण एवं गणमान्य नागरिक बैठक में मौजूद थे। पूर्व की तरह जो सुचारू ढंग से जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं पर ही ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि साफ सफाई, टोली सफाई करना, मंदिर के प्रांगण में सफाई करवाना, ये सारी अन्य व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं के और परिक्रमा मार्ग के अंदर साफ सफाई रखना और पार्किंग की व्यवस्था रखना, जो पूर्व की तरह जो जितनी व्यवस्थाएं थी वो सुचारू ढंग से संचालन होगी, यही प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में प्रसादम योजना का काम चल रहा है, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं, इस पे नगर परिषद क्या एक्शन लेगी? इस पे ओंकारेश्वर में प्रसादम योजना जो चल रही है, प्रसादम योजना के अंतर्गत जो जहाँ जिन स्थानों पर वर्क किया जा रहा है, वो स्थान अगर डेंजरस जोन है, जैसे कि भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, तो उससे हमने आग्रह किया है प्रसादम योजना से और संबंधित अधिकारी से भी चर्चा चल रही है कि हम जैसे जैसे त्यौहार आते हैं या जिस पर्वों पर भीड़ होती है, तो हमें सूचना देकर ही वहां पर कार्य किया जाए, ताकि किसी प्रकार से कोई अंदेशा या किसी प्रकार से कोई घटना न घटित हो, यही प्रसादम से आग्रह किया है और लेटर के माध्यम से भी बात की जा रही है और मेरे मोबाइल पर भी मुख्य चर्चा हुई है, चल रहा है, बाकी धीमी गति से वर्क चल रहा है। पर्वों पर दो दिनों में लगभग 2 लाख लोगों के उसको लेकर शहर के सामान्य नागरिक, पत्रकार गण और जो शासकीय विभाग इसमें संबंधित रहते हैं, बैठक है, यातायात व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएँ परंपरागत रूप से की जाती है, शौचालय, पेयजल व्यवस्था और उसके अकॉर्डिंग चर्चा करने की ट्रैफिक की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जहाँ नागर घाट है, अभय घाट है, इन घाटों के ऊपर फोर व्हीलर वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जेपी चौक को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और माकुल व्यवस्था रहेगी, हेड पॉइंट जो नवीन घाट है, इन घाटों पर फोर व्हीलर वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा और पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग लगा करके सभी ट्रैफिक के पुलिस जवान लगाए।